मेरा नाम असलम खान है। असलम खान है उषागढ़ से। मैं 3 साल से जुड़ा। 3 साल से जुड़े हो। तो जैसे ना कुछ किसान भाइयों की ना कंप्लेंट होती है कि भाई हमारे को ना स्पेयर पार्ट में दिक्कत आ रही है, तो जैसे अपनी कंपनी के पास स्पेयर पार्ट अवेलेबल होता है? स्पेयर पार्ट की कोई दिक्कत नहीं है, हमारे पास पूरा यार्ड है स्पेयर पार्ट का। अभी आप उसको भी शूट करा देंगे, वो भी दिखाइएगा। चलो भाई, इसके बावजूद इसके जो पीछे वाली बिल्डिंग में स्पेयर पार्ट रखा है ना, वो भी आपको दिखाने वाले हैं। तो आप एक बार सारी कंबाइनें देखो। कोई परेशानी नहीं है स्पेयर पार्ट की, जब मांगेंगे तब मिल जाएगा, कोई प्रॉब्लम नहीं। लो भाई, आपको बता दिया सर ने कि स्पेयर पार्ट की आपको ना आफ्टर सेल सर्विस, हमारा इंजीनियर जाएगा आपके यहाँ जाके समझ के आएगा, आपकी प्रॉब्लम को सॉर्ट आउट करके आएगा। तो किसी चीज़ की परेशानी होने की जरूरत नहीं है, सारा सपोर्ट करेंगे। इंडियन ट्रैक्टर यूट्यूब चैनल और भाई इंडियन ट्रैक्टर फेसबुक पेज की वीडियो देखने वाले सारे दर्शक भाई ना राम राम। आज भाई हम आपको ले चलते हैं गुड़गांव के अंदर, जहाँ पे ओसाका कंबाइन का वेयर हाउस है, और वहाँ पर आपको दिखाएंगे भाई कि कितनी सारी तो कंबाइनें खड़ी हुई स्टॉक में। और कुछ किसान भाई ये कमेंट करते हैं बार बार वीडियो के नीचे कि भाई ओसाका के कंबाइनों का स्पेयर पार्ट नहीं मिलता। तो पहले तो भाई हम आपको दिखाएंगे कि यहाँ पे कितनी सारी कंबाइनें एडवांस में खड़ी हैं, ठीक है ना। और उसके बाद आपको दिखाएंगे भाई कि कौन सा स्पेयर पार्ट इनके पास वेयर हाउस के अंदर अवेलेबल रहता है। तो भाई ये देख सकते हो फुल फीड मशीन है ओसाका की, और इसका अगर नंबर आपको देखना है तो वो भी दिखा देता हूँ। ओसाका सुपर है भाई, ओसाका 70 सुपर, और इसके साथ साथ दूसरी खड़ी है भाई 4LJ 5.0 ई सुपर ओसाका। आप देखते रहो, सारे मॉडल आपको दिखा देता हूँ। ये लो भाई, एक ये वाली कंबाइन खड़ी है और एक ये वाली खड़ी है भाई, इसको मैं आगे से दिखा देता हूँ। ये लो, ये भी ओसाका 70 सुपर है। और भाई किसी भाई को पैडी प्लांटर चाहिए ना, थोड़ी देर पहले भी एक महेंद्रगढ़ रेवाड़ी की साइड से मेरे पास फ़ोन आया था पैडी प्लांटर के लिए, वो भी आप ले सकते हो भाई। ये देखो अलग अलग, ये छोटे वाला है और ये 3 रो का है, और ये मेरे ख्याल ये 6 रो का है, वो 4 का है, वो 4 रो का है भाई, ये 6 रो का है। और इसके अलावा मैं कंबाइन और भी दिखा देता हूँ आपको। ये लो भाई, सबसे बड़ी भी खड़ी है 100 वाली, दिखा देता हूँ आपको ओसाका 100 सुपर। ये लो 100 सुपर, और ये दूसरी वाली है भाई 100 सुपर है ये भी। ये लो, मतलब स्पेयर पार्ट के ना आपको कोई दिक्कत नहीं आएगी भाई। और ये देखो ट्रैक वगैरह यहाँ पे है ना एडवांस रखे रहते हैं। कई किसान भाइयों की कंप्लेंट होती है कि यार हम कंबाइन तो ले लें, लेकिन हमें ना स्पेयर पार्ट की दिक्कत है, स्पेयर पार्ट कहाँ से लेंगे। तो ये स्पेयर पार्ट भी मैं आपको दिखाऊंगा, पूरा स्टॉक आपको मिलेगा भाई, आपको ना दिक्कत नहीं आएगी कोई भी। और ये हमारे साथ हमारे सर हैं। सर आपका नाम? हाँ, मेरा नाम असलम खान है। असलम खान है जी। सर आप ओसाका से कितने दिन से जुड़े हो? ओसाका से मैं 3 साल से जुड़ा। 3 साल से जुड़े हो जी। तो जैसे ना कुछ किसान भाइयों की ना कंप्लेंट होती है कि भाई हमारे को ना स्पेयर पार्ट में दिक्कत आ रही है, तो जैसे अपनी कंपनी के पास स्पेयर पार्ट अवेलेबल होता है? सर स्पेयर पार्ट की कोई दिक्कत नहीं है, हमारे पास पूरा यार्ड है स्पेयर पार्ट का। अभी आप उसको भी शूट करा देंगे, वो भी दिखाइएगा। चलो भाई, इसके बावजूद इसके जो पीछे वाली बिल्डिंग में स्पेयर पार्ट रखा है ना, वो भी आपको दिखाने वाले हैं। तो आप एक बार सारी कंबाइनें देखो। कोई परेशानी नहीं है स्पेयर पार्ट की, जब मांगेंगे तब मिल जाएगा, कोई प्रॉब्लम। लो भाई, आपको बता दिया सर ने कि स्पेयर पार्ट की आपको ना आफ्टर सेल सर्विस, हमारा इंजीनियर जाएगा आपके यहाँ जाके समझ के आएगा, आपकी प्रॉब्लम को सॉर्ट आउट करके आएगा। तो किसी चीज़ की परेशानी होने की जरूरत नहीं है, सारा सपोर्ट करेंगे। सर ने बोला भाई अगर कोई मैकेनिकल टेक्निकल कोई आपको प्रॉब्लम आती है ना, तो फैक्ट्री से अपना जो जाएगा मैकेनिक और आपका ना पूरा सोल्यूशन करके आएगा। और ये फिर एक और कंबाइन दिखा देता हूँ मैं भाई, ये भी ओसाका 100 सुपर है। ये लो 100 सुपर। तो भाई कंबाइनों का स्टॉक दिखा देता हूँ मैं एक बार ना, एक कंबाइन के ऊपर खड़ा होकर ना वहाँ से एक फ़ोटो लेता हूँ, जिससे ना मैं आपको सब कुछ दिखा पाऊँगा, ठीक है। एक ये लो, ये ट्रैक वगैरह आपको चाहिए ना भाई, देखो एडवांस में रखे होते हैं, और बिल्कुल नए ट्रैक है ये, देखो ये मत समझना कि किसी का निकला हुआ होगा। ये देखो इसके ऊपर आपको दिख रही ना लकी, रबड़ दिखती है, तो बिल्कुल बिल्कुल नए ट्रैक है भाई, कोई वो नहीं है, और सारी नई मशीनें हैं। कुछ किसान भाइयों की ना एक प्रॉब्लम होती है, वो पता नहीं यार दूसरे की वीडियो देख कैसा करते हैं, या उनको हर बात में नेगेटिविटी ढूंढने की ज़रूरत होती है। ये सारी की सारी कंबाइनें ना नई मिलती हैं, और मैंने ये भी बताया था कि भाई ओसाका की कंबाइन अगर आप लेते हो तो आपको नई कंबाइन मिलेगी,
अन्य कंपनी की अगर आप कंबाइन लेते हो तो वो आपको सेकेंड हैंड कंबाइन मिलती है। और ये इसकी खासियत है, अगर आप नहीं लोगे और वहाँ से अगर आप कहीं से सेकेंड हैंड लेते हो तो उसके कंपेरिजन में इसकी लाइफ बहुत ज़्यादा होती है, क्योंकि नया प्रोडक्ट जब भी आप कोई लेते हो ना भाई, तो उसकी ना लाइफ ऑटोमेटिकली ज़्यादा होती है, तो आपको ही पता है। अब ये देखो भाई, ये लो कितनी सारी कंबाइनें खड़ी हुई हैं भाई, आप देख सकते हो बिल्कुल। और ये लो दोनों तरफ कंबाइनें ही कंबाइनें खड़ी है भाई। तो मैं अभी ले चलता हूँ आपको ओसाका के वेयर हाउस के दूसरे पार्ट में, जहाँ पे रखा हुआ है स्पेयर पार्ट। जब तक मैं स्पेयर पार्ट तक पहुँचूँ ना, जब तक किसान भाइयों से अनुरोध है कि जो भी हमारी वीडियो यूट्यूब चैनल पर देख रहा ना, यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करके घंटी बटन दबा लो, और जो भी किसान भाई हमारी वीडियो फेसबुक पेज पर देख रहे हैं वो फेसबुक पेज ने फॉलो और लाइक कर लो, ताकि भविष्य में हम जो भी वीडियो डालें ना उसका नोटिफिकेशन आपने पूरे वर्ल्ड में सबसे पहले मिल जाए और सबसे पहले आप हमारी वीडियो देख सको। और भाई एक और खास चीज़ मैं आपको दिखा देता हूँ, जब भी किसी भाई को इनके वेयर हाउस पर आना हो ना ओसाका वाले पे, तो सामने पानी की टंकी है, ये देखो आपको दिखाई देगी होगी भाई, ये वाली पानी की टंकी है, इसकी पहचान कर लो। इसके चारों तरफ नीम के पेड़ है और बाउंड्री हो रखी है, देखो ये देखो भाई, इसके बिल्कुल ठीक सामने वेयर हाउस है, यहाँ से आप आकर के ना परचेज कर सकते हो। और अधिक जानकारी अगर आपने चाहिए तो भाई वीडियो के डिस्प्ले पे जो नंबर आ रहा है ना, उस नंबर पे भी आप संपर्क कर सकते हो। तो चलो भाई चलते हैं अभी ओसाका के दूसरे पार्ट में, जहाँ पे स्पेयर पार्ट रखा हुआ है। तो भाई अभी हम आ गए हैं वेयर हाउस के गोडाउन में, और यहाँ पर दिखाते हैं आपको कितना सारा स्पेयर पार्ट यहाँ ना कंबाइनों का ऑलरेडी रखा रहता है। और इसके अलावा भी हर स्टेट में, जिस भी स्टेट का बंदा हो ना, आपको उसी स्टेट में स्पेयर पार्ट अवेलेबल होगा, ये नहीं कि आपको उसके लिए कहीं बाहर जाना पड़ेगा। मतलब यहाँ पे बहुत सारा स्पेयर पार्ट रखा है, पैकिंग वगैरह भी रखी हुई है पीछे, और काफ़ी बड़ा इनका गोडाउन है। और ओसाका से ना हमारे साथ अर्जुन जी हैं, अर्जुन जी तो मैं आपको उनसे मिलवा देता हूँ एक बार। नमस्कार अर्जुन जी। जी नमस्कार सर। तो जैसे ना अभी ये तो अपना गुड़गांव वाला गोडाउन है जहाँ पे स्पेयर पार्ट रखे हुए हैं, तो इसके अलावा अगर कोई अदर स्टेट से बंदा है जी जी, तो उनको कहाँ कहाँ पे अपने स्पेयर पार्ट मिल जाएंगे सर? हमारा जो भी स्पेयर पार्ट होता है स्टेट वाइज भी है, जैसे कि अभी हमारा यूपी के अंदर कोशी कला में हमारा स्पेयर पार्ट होता है सर जी, हरियाणा के अंदर होडल में है सर, और रोहतक में भी है सर, अपना जो मैन डीलर होते हैं उन सबके पास हमारा स्पेयर पार्ट होता है, वेस्ट बंगाल में, आसाम के अंदर गुवाहाटी में भी है सर हमारा स्पेयर पार्ट, स्टेट वाइज डीलरों के पास अवेलेबल है सर सारा स्पेयर पार्ट। मुंबई सर, मुंबई और कोलकाता पोर्ट पे भी हमारा स्पेयर पार्ट होता है, जहाँ भी डीलर को जो भी रिक्वायरमेंट होती है वहीं पोर्ट से उनको डिलीवरी दे दी जाती है सर। अच्छा अर्जुन जी, कई कस्टमरों की शिकायत होती है कि भाई हम कंबाइन तो ले लेते हैं जी जी, लेकिन हमें ना स्पेयर पार्ट अवेलेबल नहीं हो पाता। नहीं सर, अभी ऐसा हमारे पास कुछ भी नहीं है, अभी भी आप देख रहे होंगे वीडियो के अंदर बिल्कुल सारा कुछ रखा हुआ है, पार्ट अवेलेबल है, और पोर्ट पे मुंबई पोर्ट, कलकत्ता पोर्ट, चेन्नई पोर्ट पे भी हमारा होता है, जो जिस डीलर को जहाँ से रिक्वायरमेंट होती है वहाँ पे उसको डिलीवर कर दिया जाता है। अच्छा एक बात और बताओ जी जी, जैसे जब बंदा कंबाइन खरीदता है, कोई भी हमारा फार्मर कंबाइन खरीदता है जी जी, तो उसको मेजर कौन कौन से स्पेयर पार्ट साथ चाहिए होते हैं? सर मेजर मैं आपको दिखा देना चाहता हूँ, जैसे कि जो हमारे फार्मर किट के अंदर जो हम कस्टमर को मशीन के साथ देते हैं सर, ये रोलर होते हैं हाँ जी, और रोलर के अंदर जो ये सील है यहाँ पे लगती है, ओके हाँ, ये सील्स अवेलेबल करते हैं सर, और जो ये यहाँ पे ट्रैक सपोर्टर होते हैं सर, ये दो पीस हम ये देते हैं ट्रैक सपोर्टर सर हाँ जी, और ये दो जो हमारी ये स्प्रॉकेट होती है सर, दो पीस ये फार्मर किट के साथ में भी देते हैं सर हम हाँ जी, और जो मेनली होती हैं जो जनरल यूज की बेल्टें होती हैं इस टाइप से, या ये भी होंगी सर हमारी हाँ, तो इस टाइप से एक कंप्लीट बेल्ट का सेट कस्टमर को फार्मर किट के रूप में दिया जाता है सर। मतलब कस्टमर को क्या होता है कि ये होता है कि भाई कुछ रनिंग चीज होती है, सिक्स मंथ में जो भी रनिंग आइटम होते हैं ना सर, सिक्स मंथ यूज के लिए हाँ जी, वो सारे फार्मर किट के अंदर दिए जाते हैं सर। ओके कंप्लीट टूल किट के साथ। तो चलिए किसान भाइयों, आज हमने आपको गोडाउन दिखा दिया कि कहाँ से आप कंबाइन के साथ साथ ना स्पेयर पार्ट ले सकते हैं। अगर अभी भी भाई किसी किसान भाई का कोई सवाल जवाब है वो कमेंट्स के जरिए हमारे से बात कर सकता है, और आप अधिक कोई जानकारी चाहते हैं ओसाका हार्वेस्टर के बारे में, तो डिस्प्ले के ऊपर जो नंबर दिए जा रहे हैं ना भाई, आप उन नंबरों पर संपर्क करके भी जो है कंपनी के ओनर से और वर्कर से बात करके इस बारे में आप डिटेल ले सकते हैं कि आपको कहाँ से कंबाइन मिलेगी, कहाँ से स्पेयर पार्ट मिलेगा, और आप किस स्टेट से हैं तो उस स्टेट में आपको किस डीलर से स्पेयर पार्ट आपको मिल पाएगा। बिल्कुल सर, आपका बहुत बहुत धन्यवाद। कोई प्रॉब्लम नहीं होने देंगे, आप लोग जुड़िए हमसे, हम पूरी सपोर्ट करेंगे, हम चाहते हैं कि हमसे ज़्यादा लोग जुड़े, किसी भी तरह की प्रॉब्लम हो आप हमसे वैसे भी कॉन्टैक्ट कर सकते हैं, मशीन लेने वाले लेकिन फिर भी कॉन्टैक्ट कर सकते हैं, हम आपकी जो बेस्ट हेल्प होगी वो करने की कोशिश करेंगे।
तो चलिए दोस्तों, मिलते हैं किसी नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए सभी किसानों को नमस्कार, जय जवान जय किसान जय जय भारत। लेकिन चलते चलते भाई मैं आपको एक चीज़ और दिखा देता हूँ, ओसाका कंपनी की ना भाई बैटरी स्प्रेयर भी आ गई है मार्केट में और काफ़ी टाइम से चल रही है, लेकिन हमने पहली बार देखी है। इसका भी काफ़ी स्टॉक अपने पास यहाँ पे रखा हुआ है। आप जो है ना दो पंप वाली या फिर दो मोटर वाली या सिंगल मोटर वाली भी ले सकते हैं। उसके साथ साथ ना आपको कंपनी के अंदर ना जो है फोकिंग मशीन भी मिलती है भाई, जैसे आपने कोई डेयरी फार्मिंग वगैरह कर रखा है तो मच्छरों से छुटकारा पाने के लिए इस चीज़ की किसान भाई को ज़्यादा ज़रूरत होती है, तो ये फोकिंग मशीन भी आप इनसे ले सकते हैं। और ये जो कॉन्टैक्ट नंबर दिया गया ना उसी सेम कॉन्टैक्ट नंबर पे आप कॉन्टैक्ट करके ना ये ले सकते हैं। और ये देखो काफ़ी सारा गोडाउन मतलब भरा होता है, देखो जो इनके ऑर्डर लगे हुए थे जैसे फोकिंग मशीन के लिए है, वो बैटरी स्प्रेयर के लिए है, और ये इधर भी है फोकिंग मशीन के लिए, काफ़ी सारा स्टॉक होता है। और देखता हूँ दिखाता हूँ मैं आपको कि जिस भी किसान भाई का ऑर्डर होता है ना सामान, उसके अगर कोरियर के जरिए वो लेना चाहिए तो कोरियर के जरिए भी पहुंच जाता है। ये देखो काफ़ी सारा मतलब स्टॉक काफ़ी है इनके पास में। तो वीडियो अगर आपको अच्छी लगी ना दोस्तों तो वीडियो को लाइक शेयर कर दो, और जो किसान भाई स्पेयर पार्ट की वजह से तंग रहते हैं ना तो आप उनको तक ये वीडियो भेजो ताकि उनको कोई समस्या ना आए कंबाइन के लेकर के। तो राम राम भाई, मिलेंगे अगली वीडियो में।